एजीसी क्लासेस में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग 10.1 तक बहुत ही अच्छे से देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखो एंड देन इसके बाद फिर 10.2 देखना, ऐसा आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो 10.2 में है हम लोग का ब्रीदिंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग को एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी जिसका नाम है एक्टिविटी 10.1। इस एक्टिविटी में क्या करना है, हम लोग को अपने नॉस्ट्रिल को, नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नाक का जो छेद है, उसको थोड़े देर के लिए बंद करना है दोनों हाथों से और इसके बाद घड़ी को देखना है। तो आप लोग ऑब्जर्व करना कि कितने देर तक आप लोग ये कर सकते हो। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग अपना नाक बंद कर देते हैं तो मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन या एयर जो होता है वो हम लोग के अंदर नहीं जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा देर तक बिना हवा का नहीं रह पाएंगे। ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अगर हम लोग अपना नाक को बंद करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा देर तक नाक को बंद नहीं किए रह सकते। थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि हो सकता है 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए भले ही बंद करके रखें, बट ज्यादा देर के लिए हम लोग बिल्कुल भी अपने नॉस्ट्रिल को बंद नहीं कर सकते। तो यही चीज हम लोग को कहना था 10.1 में कि ब्रीदिंग हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग ब्रीथ ना करें, अगर हम लोग सांस नहीं ले तो इससे हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जान भी जा सकता है। तो ब्रीदिंग के कारण ही हम लोग जिंदा है। तो ब्रीदिंग हम लोग कहेंगे किसको? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, है ना, टेकिंग का मतलब होता है लेना बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को। जब भी हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, टेकिंग मतलब कि लेना, तो जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, गिविंग आउट मतलब हो गया छोड़ना। तो जब भी हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प से, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोग को क्या हो गया? लंग्स हो गया, ये सब हम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। जब भी हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद के द्वारा, मतलब लंग्स की मदद के द्वारा, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ओके, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे देखते हम लोग। इनहेलेशन, टेकिंग इन, टेकिंग इन मतलब क्या हो गया? लेना। ये सब वर्ड है ना, आप लोग थोड़ा ना गौर करना, क्योंकि ये सब वर्ड मतलब अगर आप लोग डेफिनेशन में लिखोगे तो ये सब वर्ड का यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो द टेकिंग इन ऑफ एयर इज एन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब भी हम लोग श्वास लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को लेते हैं अपने बॉडी में, उसी चीज को कहते हैं इनहेलेशन, और कुछ नहीं है। श्वास को मतलब कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना कहलाएगा हम लोग का इनहेलेशन। ओके, बहुत बिल्कुल इजी है, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना ही कहलाएगा इनहेलेशन। ओके, और कुछ नहीं है इनहेलेशन, मतलब श्वास लेना तो हम लोग कहेंगे इनहेलेशन। एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और जब हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। जब भी हम लोग श्वास लेते हैं, जैसे कि इसको इस तरह से समझो, जैसे कि अभी हम लोग श्वास लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे इनहेलेशन, और अगर छोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सहेलेशन। यहाँ पे है आगे ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। और कोई भी इंसान जब एक मिनट में कितना ज्यादा वो सांस ले सकता है और सांस छोड़ सकता है, दोनों प्रोसेस हो, तो उसी चीज को हम लोग कहेंगे ब्रीदिंग रेट। नॉर्मली एक मिनट में आदमी अप्रोक्स 72 के अप्रोक्स
सांस लेता है और सांस छोड़ता है, मतलब कि अगर कोई एक इंसान है ओके वो सांस लिया और सांस छोड़ा तो इसको हम लोग वन काउंट करेंगे। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ होगा। जब हम सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो उसको हम एक काउंट करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, फिर से एक्सहेल करेंगे तो इसको हम लोग दो काउंट करेंगे। तो इसी तरह से एक मिनट में जितना भी पर्सन नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी पर्सन इनहेल करता है या एक्सहेल करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्रीद, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में आदमी जितना भी सांस लेता है या सांस छोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीद का मतलब क्या हो गया कि इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन भी। यहाँ पर एक एक्टिविटी था हम लोग का 10.2, उसको देख लेते हैं। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग हमेशा नॉर्मली ब्रीथ करते रहते हैं, ठीक है? तो क्या जो नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स एक मिनट का होगा, क्या वो हमेशा सेम ही रहता है? तो सबसे पहले तो हम लोग अपना एक मिनट का काउंट करते हैं, धीरे धीरे आप सांस लेना सांस छोड़ना, तो आप लोग को एक मिनट का पता चलेगा। इसके बाद क्या करना, आप लोग 5 मिनट तक लगातार दौड़ते रहना और इसके बाद एक मिनट का अपना ब्रीथ ऑब्जर्व करना, ठीक है? तो क्या वो सेम रहेगा? नहीं, वो बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा। तो हम लोग का सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ज्यादा सांस लेते हैं और कम सांस लेते हैं। इसको समझते हैं, व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। जब भी हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है तो हम लोग सांस ज्यादा लेते हैं और छोड़ते हैं। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोग मेरा 10.1 का जो टॉपिक था वो देखे होंगे, तो ये चीज आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई पर्सन जो होता है उसको अगर बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है तो वो ज्यादा सांस लेता है। जैसे कि कोई भी आदमी अगर दौड़ता है तो दौड़ने के बाद वो ज्यादा सांस लेता है क्योंकि उसको उस टाइम पर ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है? तो जब भी हम लोग को एनर्जी चाहिए तो हम लोग बहुत ज्यादा तेज ब्रीथ करते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे सेल्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा तेजी से सांस लेंगे तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हम लोग के सेल में जाएगा। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। और ये फूड का ब्रेकडाउन भी बहुत तेजी से करेगा, है ना? और इससे एनर्जी भी रिलीज होगा। 10.1 में इस चीज को हम बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। अगर आप लोग मेरा 10.1 वाला वीडियो नहीं देखे हो ना तो सबसे पहले जाकर वो देखो। उसमें हम यही चीज बताए थे कि जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग के अंदर जाता है और इसके बाद ऑक्सीजन सारे के सारे सेल्स में जाता है। जब वो सारे के सारे सेल्स में जाता है तो सेल्स में फूड के रूप में ग्लूकोज रहता है। फूड जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो वो टूटता है जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिलता है। यही चीज को हम बताए थे। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जब हम लोग तेज सांस लेते हैं तो हम लोग का फूड का भी ब्रेकडाउन होता है और इससे हम लोग को ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से था ये। और एक लास्ट एक्टिविटी अभी भी हम लोग छूट रहा है तो वो चीज हम लोग कर लेते हैं। ये एक्टिविटी है 10.3। आप लोग ऊपर फिगर देखो, फिगर में बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि एक आदमी सो रहा है, एक बूढ़े अंकल वॉक कर रहे हैं, एक बच्ची दौड़ रही है, एक माँ कपड़ा को धो रही है। तो आप ही लोग बताओ कि इन सब में से कौन सा इंसान जो होता है, कौन सा पीपल जो होता है वो सबसे ज्यादा अपना एनर्जी को लगा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बूढ़े अंकल जो होते हैं वो चल रहे हैं तो उनमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं इसलिए उनको एनर्जी ज्यादा लग रहा है। इसको कुछ इस तरह से समझो कि मान लो एक बच्चा है, है ना, एक बच्चा है और एक बूढ़े अंकल है, तो ये दोनों का दोनों दौड़ रहे हैं, तो दोनों का दोनों तो सेम ही दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत किसको होगा? बूढ़े अंकल को होगा, क्योंकि एक बच्चा तो तेजी से दौड़ लेगा लेकिन एक बूढ़े अंकल को ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है और दोनों काम तो एक ही तरह दौड़ ही रहे हैं। तो कभी कभी क्या
होता है ना कि आदमी पे भी डिपेंड करता है, उसके पावर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, वो कितना अपना ताकत लगा सकता है। तो ये सारे प्रोसेस में सबका ही एनर्जी लग रहा है और सब कोई को, अगर जिसका भी ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होगा। वैसे आई थिंक इसमें जो बच्ची दौड़ रही है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि दौड़ने में हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। ओके, और कपड़ा धोने में भी लगता है, और इस वाले जो बूढ़े अंकल है वो चल रहे हैं तो उनमें भी एनर्जी लगेगा। इनफैक्ट हम लोग जब सोते हैं तो उसमें भी हम लोग का एनर्जी लगता है, वो थोड़ा कम लगता है बट एनर्जी लगता है। तो इस तरह से था हम लोग का 10.2 ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग में इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं पढ़ा था। और हम आप लोग को एक और चीज कहना चाहेंगे कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हो तो सबसे पहले सीरीज से देखो। ओके, सबसे पहले जैसे कि आप लोग 10.2 अगर आप लोग को पढ़ना है तो 10.1 देखो, फिर 10.2 देखो। जैसे कि 10.1 में बहुत सारा ऐसा बात होता है जो कि 10.2 से रिलेट करता है, तो अगर आप लोग सीरीज से देखोगे तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो हम तो बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए, और जो भी एनसीईआरटी बुक में होता है वो कुछ भी नहीं छूटता अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस बात का गारंटी हम दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग का 10.2 ब्रीदिंग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ नहीं था, जब भी हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हेल्प से, उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ओके, और जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं मतलब सांस लेते हैं उसको कहते हैं इनहेलेशन, सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। और क्या था, ब्रीदिंग रेट, एक मिनट में हम लोग जितना भी सांस लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और जब भी कोई पर्सन को बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है तो उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का भी जरूरत होता है, जिसके कारण वो तेज तेज सांस लेने लगता है। तो ये था समरी जैसा कुछ बता दिए जो कि बिल्कुल इजी था, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। बाय।